8 मार्च को हनुमान जयंती होने के बावजूद भिलाई के प्रसिद्ध सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में भी सन्नाटा पसरा रहा। भिलाई के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर सेक्टर 9 पर प्रशासन ने ताला जड़ दिया है, ताकि हनुमान जयंती के अवसर पर उमड़ती भक्तगणों की भीड़ कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने में सहायक न बन जाए। हालांकि इस लॉकडाउन में पूरे देश सहित पूरे विश्व में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और गुजारिश की जा रही है कि हर व्यक्ति अपने घर पर रहकर अपने इष्ट देव की आराधना इबादत करे। सेक्टर 9 हनुमान मंदिर के दरवाजे बंद होने पर भी यहां के पुजारियों द्वारा हनुमान जयंती के दिन विशेष पर विधिवत पूजा अर्चना करने की जानकारी दी गई और भक्तगणों से अपील की गई कि वह अपने घर पर रहकर संकट मोचन कहे जाने वाले हनुमान से प्रार्थना करें कि वे इस विश्व में फैले इस संकट को भी जल्द से जल्द हर ले। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए शासन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैदी से जुड़ा हुआ है और मंदिर जाने वाले लोगों को समझाइशें दे रहा है। मंदिर जाने का द्वार बंद होने की स्थिति में भक्तगण गेट के बाहर से ही अपने आराध्य हनुमान को प्रणाम करते भी नजर आए। अब शहर की जनता यह समझ चुकी है कि इस जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करना कितना आवश्यक है। मंदिरों का यह वीरान मंजर किस बात की गवाही देता है नजर आ रहा है। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े व सुनील सोनी की रिपोर्ट। जैसा कि आज हनुमान जयंती है और सेक्टर 9 मंदिर में आप पुजारी हैं, काफी महत्व है इस दिन का, काफी भीड़ होती है, लेकिन आज प्रांगण बिल्कुल खाली देखा जा रहा है, क्या कारण है? ये कोरोना जो महामारी बीमारी जो है किसी के उसमें बंद है और हनुमान जी से और सारे भक्तों से सबसे यही प्रार्थना निवेदन है कि इस बीमारी से मुक्त हो और पहले जैसा सब अच्छा हो जाए। हनुमान जी से यही प्रार्थना है और जितने भी भक्त हैं उनसे भी यही प्रार्थना है कि अपने अपने घर में ये दुआ करें इस महामारी को जितनी जल्दी हो सके हनुमान जी दूर करें। तो जैसे कि यहाँ पे भक्त अभी नहीं है, लेकिन जो आज की जो वैदिक पूजा है जो आज के दिन होती है वो किस तरह से की जा रही है? वो हम लोग सुबह 4 बजे हनुमान जी का अभिषेक पूजन आरती ये हम लोग सुबह 4 बजे करते हैं, वही नियमित हम लोग उसी समय पे करते चले आ रहे हैं। आज के दिन कोई विशेष सुंदरकांड या किसी तरह का पाठ? सुंदरकांड पाठ उसी भोर में सुबह 4 बजे अभिषेक के समय। आपका दिन है और सेक्टर 9 में भिलाई में जो सेक्टर 9 का मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही, इसको देखते हुए सेक्टर 9 मंदिर में भीड़ ना हो या किस तरह की व्यवस्था की गई है? कोरोना रोकथाम के लिए शासन स्तर पर पहले से ही कुछ एडवाइजरी जारी किए गए हैं और उसमें स्पष्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है और चाहे वो बाजार में, मार्केट में हो, चाहे किसी धार्मिक स्थलों में हो, और स्पेशली आज जो हनुमान जयंती है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पहले से ही उस पर विचार करके और मंदिर के जो लोग हैं उनसे चर्चा किया था और स्पेशली जो सेक्टर 9 में जो हनुमान जी का मंदिर है उसने सुबह केवल पुजारियों ने पूजा करी है, उसके बाद उसको बंद कर रखा गया है और जितने लोग अगर इक्का दुक्का आ भी रहे हैं जो श्रद्धालु उनसे उनको बताया जा रहा है कि वहाँ पे आज पूजा बंद है, तो वो इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं और वापस भी जा रहे हैं, तो हमने बस वहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था लगा रखी है। उसके अलावा भी जैसे मुस्लिम समाज का कल का कार्यक्रम शबे बारात का, उनसे हमने भी चर्चा की है और उसमें भी लोग इकट्ठे ना होंगे इस बात के लिए हम लोगों ने पहले से ही व्यवस्था लगा रखी है। सर अगर 10 तारीख को गुड फ्राइडे है, क्रिश्चियन लोग इसमें शायद रैलियां निकालते हैं कुछ, तो उस समाज से कुछ बात हुई है? जी हाँ, और उस समाज से भी बात हुई है और ये मतलब बाकी सारे लोग सहयोग कर रहे हैं इस बात को लेकर के और जो चर्चा विशेष है उसमें भी और भी हम लोग बैठ करके उसमें तय कर लेंगे, तो वैसा कोई इकट्ठा होने के चांसेस फिलहाल नहीं है। सर भिलाई वासियों से अपील कैसे करेंगे इस लॉकडाउन का पालन करने की? अभी तक दुर्ग वासियों ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया है और यही इसी वजह से हम छत्तीसगढ़ जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। 10 पॉजिटिव मरीजों में से केवल एक ही अभी शेष है, वो भी संभवतः वो ठीक हो जाएंगे, तो अब तक का जो कॉपरेशन लोगों का रहा है बहुत सराहनीय रहा है और आगे के दिनों में भी ऐसी सहयोग की उम्मीद करते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.